नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल दर्रों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि HPSSC द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, साच पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो साच दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है और ये चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है। दूसरा, यहाँ पे इंद्राहर दर्रा अवस्थित है। तो इंद्राहर दर्रा कौन सी महा माउंटेन रेंज पूछी गई है, तो यह है धौलाधार रेंज में पूछी गई है। और ये इंद्राहर दर्रा किन दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, तो कांगड़ा और चंबा को ये कनेक्ट करता है। एक पूछा जाता है इंद्रासन जो है वो है कुल्लू में और वो कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रोहतांग दर्रा स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो स्थित है वो है पीर पंजाल रेंज में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिपकी दर्रा किस जिले में है, तो सिपकी दर्रा जो है किन्नौर ज़िले में है। दर्रों से संबंधित मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ट्रिक बताई है, मैप के थ्रू बताया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आप वो वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। तो बुर्जिल दर्रा जो अवस्थित है, इंडियन ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन, तो ये है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो ऑप्शन की बात की जाए तो इन ऑप्शन में जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है पिन पार्वती दर्रा। इसकी हाइट जो है 5319 है। रोहतांग पास की बात की जाए तो 3978 और बारह लाचला की बात की जाए तो 4850 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है। तो चंबा ज़िले में जो स्थित है वो है कुगती और ये कुगती जो है दर्रा जो है भरमौर को लाहौल से कनेक्ट करता है। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है नन ऑफ दिस। ये सारे नाथुला दर्रा और ये सारे दर्रे जो हैं सिक्किम में हैं। ब्यास नदी का उद्गम होता है, तो ब्यास नदी का उद्गम जो होता है रोहतांग पास से होता है और रोहतांग पास जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है, तो ये है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में। हमटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और ये कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है ये। नेक्स्ट है जलोरी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो ये है कुल्लू में और ये इनर सराज को आउटर सराज से कनेक्ट करता है। चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ये भी चंद्रखानी दर्रा जो है कुल्लू में है। अगिल दर्रा कहाँ स्थित है, तो अगिल दर्रा जो है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है और ये लद्दाख में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत दर्रा स्थित है, तो सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो कुंजुम दर्रा जो है लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, या आप लाहौल भी आप लिख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिए हुए लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति ही है क्योंकि लाहौल और स्पीति जो है अलग अलग जगह है लाहौल स्पीति में ही, पर लाहौल अलग है स्पीति अलग है स्पीति पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा धौलाधार श्रेणी में स्थित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो धौलाधार में जो है कुंजुम पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बारह लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो ये है लाहौल और स्पीति में। कौन सा दर्रा उस दर्रे के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ पर कई सड़कें मिलती हैं, या चार राहों का दर्रा किस दर्रे को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बारह लाचला को। यहाँ पे जो है लाहौल और स्पीति कनेक्ट होता है, एक सड़क जासकर की तरफ जाती है और एक सड़क लद्दाख की तरफ जाती है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस पहाड़ी दर्रे से तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, तो ये है सिपकिला दर्रे से और ये किन्नौर ज़िले में है। कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो ये है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी या वैली ऑफ शैडो के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है पिन पार्वती। सिंगोला पास हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है,
तो ये है आपका लाहौल स्पीति में और ये लद्दाख को कनेक्ट करता है। चांसल दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो ये है शिमला में। और पब्बन नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, चांसल दर्रे से ही होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।